तो वही आ गया भैया अपने कार्स 24 से, और ये कर रहे हैं इसका इंस्पेक्शन। मुझे लग रहा है इससे डिटेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल पार्ट है या नहीं, या कहीं पे डेंट वेंट तो नहीं लग रखा, मतलब डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हो रखी आई थिंक। तो भाई ये निकल गया ये अपनी गाड़ी की रेटिंग चेक करने के बाद में। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम अपनी गाड़ी के रेट लगवाने वाले हैं कार्स 24 से, क्योंकि भाई इस गाड़ी को बेच रहे हैं और भैया अपने आ चुके हैं सामने, और देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है इनका। और आप वीडियो में बने रहना, सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी कार को बेचते हो। तो होम विजिट थी हमारी, तो भैया यहीं पर आए हैं भाई। अपना ये चीज़ भी सही रहती है कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर पर ही आके आपका इंस्पेक्शन कर जाएंगे और विद इन एन आर आपको आपकी गाड़ी का एक प्राइस बता देंगे कि कितने आपकी गाड़ी के रेट लगे हैं। आ गया भैया अपने कार्स 24 से, और ये कर रहे हैं इसका इंस्पेक्शन। मुझे लग रहा है इससे डिटेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल पार्ट है या नहीं, या कहीं पे डेंट वेंट तो नहीं लग रखा, मतलब डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हो रखी आई थिंक। ठीक है, तो उस तरह से भाई इन्होंने फर्स्ट जो प्रोसीजर है इनका ये रहता है, पूरी कार पे इस तरह से टेस्ट करते हैं। और भाई जिन भाइयों को नहीं पता बता देता हूँ, अपनी है वैगनार 2021 VXI ऑप्शनल, 1200 CC वाली है भाई ये पेट्रोल में, और सिर्फ 14,000 चली हुई है। तो आप लोग गैस करके बताओ क्या प्राइस होना चाहिए इसका अगर हम इसको बेचते हैं अभी। ठीक है, और तो भाई आपको पता चलेगा लास्ट में कि कितना प्राइस निकल के आता है अपनी गाड़ी का, भैया बताएंगे। तो भाई जो ये डिवाइस है ये बताता है कि गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने चेक किया है पूरा, ये भी सही चीज़ है यार, मतलब ये तो फ़ायदा है भाई इनके द्वारा। अगर आपको गाड़ी भी खरीदनी है ना, कार्स 24 या जो ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वहाँ से खरीदो, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ जेन्युइन गाड़ी देखने को मिलेगी। और अब देख रहे हैं भाई अपना इंजन ऑयल वगैरह पूरा अच्छे से वो छानबीन करते हैं भाई। सबसे पहले तो उन्होंने पेंट चेक किया जो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा फिर उन्होंने बोनेट से चेसी नंबर से RC मैच की, RC के बाद में इंश्योरेंस, उसके बाद भाई ये फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं इस तरह से, जो भी डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं इंजन में उनके, और यही चल रहा है भाई अभी तक तो प्रोसीजर। और जो जो चलता रहेगा आपके साथ साथ में वीडियो में बताता रहूँगा भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और लास्ट में फिर इसका प्राइस देखते हैं क्या निकल के आता है कार्स 24 से। और गाइस अब इन्होंने चेक किया है बूट, ठीक है, स्टेपनी वगैरह चेक कर लो गाइस वैगनआर का, जिसके लिए बिकती है बूट स्पेस और केबिन स्पेस सबसे ज़्यादा ऑफर करती है वैगनआर अपने सेगमेंट में। और भाई अब ये टायर्स भी चेक कर रहे हैं, मतलब डिवाइसेस इनके पास कई सारे रहते हैं, एक तो पेंट चेक करता है और एक दो डिवाइसेस और रहते हैं, उसकी रीडिंग ये फिर फ़ोटो लेके भेजते हैं कंपनी में, और वहाँ से फिर सारी चीज़ें टेस्ट होती है, उसके बाद ओरिजिनल जो प्राइस है गाड़ी का, मतलब अभी वो ये बताते हैं कि भाई कितने में आपकी गाड़ी बिक सकती है, और वो प्राइस रहता है 24 आवर्स के लिए अवेलेबल। तो मतलब ये है कि इनका जो बंदा आएगा वो सारा इंस्पेक्शन करेगा, जो भी रीडिंग्स वगैरह आएगी डिवाइस के थ्रू निकल के वो सारी भेजेंगे कंपनी में, वहाँ से वो चीज़ें चेक होगी, उसके बाद फिर आपका फाइनल जो प्राइस निकल के आएगा गाड़ी का। तो ये रहता है इनका प्रोसीजर। और ऐसे भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम में, एक तो इनका कार्स 24 हो गया, स्पिनी हो गया, इन चीज मतलब इन लोगों की तो एक खास चीज़ है कि भाई होम विज़िट कर लेते हैं, अपना घर पर बुलाओ और तभी आपका पूरा वो बता देंगे प्राइसिंग वगैरह चेक करके, डीलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक स्पिनी हो गया, महिंद्रा का आता है ट्रू, महिंद्रा चॉइस करके ट्रू वैल्यू आता है मारुति का, तो बहुत सारी आज के टाइम में फैसिलिटी होगी, लेकिन ट्रेंडिंग में कार्स 24 ही रहता है हमेशा से ही। पूरी बिडिंग वगैरह खोल के सारा देखते हैं कि भाई कहीं से कोई रस्ट वगैरह तो नहीं लग रहा है, पर भाई सीरियसली मतलब आज पता चला कि भाई अगर कोई गाड़ी ख़रीदनी है ना सेकेंड हैंड, आँख बंद करके खरीदो कार्स 24 से, गाड़ी इतने तरीके से टेस्ट करके लेते हैं ना ये, नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। मतलब आधा घंटा तो ये पूरा इंस्पेक्ट ही करेंगे, आधा एक घंटे तक सारी चीज़ें देख रहे हो, पूरी बिडिंग वगैरह खोल के हर एक चीज़। और ये बंदा जो आ रखा है ये टेस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ इसका काम है कि फ़ोटो वगैरह या और जो मीटर्स की रीडिंग है डिवाइसेस पे उनकी रीडिंग कंपनी में भेजना, टेस्ट होता है कंपनी में, और वो टेस्ट करके फिर एक घंटे के बाद आपको आपकी गाड़ी का एक्यूरेट प्राइस बता देंगे।
बहुत सही चीज़ है यार। अभी चेक करेंगे कार ड्राइव करके, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ तो भाई चलाने ही वाली है, चलने में कैसी है गाड़ी। इसमें ये डिवाइस देख रहे हो, तो इससे चेक करते हैं कि कूलिंग वगैरह कैसी है। तो भैया ने बोला भाई एक नंबर, और देखते हैं भाई क्या प्रोसीजर रहता है आगे का, फिर आपको बताते हैं फाइनल प्राइस जो हमारी गाड़ी का निकल के आएगा। ये गाड़ी अपनी स्टार्ट है अभी, और रिफाइनमेंट देखो मारुति की इतनी बढ़िया, इंजन भी आपको बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता हुआ दिखेगा, बहुत ही मामूली वाइब्रेशन, और इसीलिए बिकती है भाई मारुति की गाड़ियाँ, क्योंकि रिफाइनमेंट इनकी नेक्स्ट लेवल रहती है, बहुत ज़बरदस्त। और वहीं पर भाई महिंद्रा और टाटा का होता ना इंजन, इतना कांपता ना। ये देखो भाई हाई आरपीएम पे मतलब फुल रेस ले रखी है, वाइब्रेशन ना के बराबर भाई साहब। बेहतरीन पूरा चेक होता है भाई साहब, एक नंबर हर चीज़ A to Z। तो भाई ये निकल गया ये अपनी गाड़ी की रेटिंग चेक करने के बाद में, एक्सटीरियर टायर्स 4.5, इलेक्ट्रिकल इंटीरियर कितना है 5 5 स्टार, इंजन ट्रांसमिशन 5 स्टार, स्टेयरिंग सस्पेंशन ब्रेक्स 5 स्टार, एयर कंडीशनिंग 5 स्टार है। तो भाई ये देख सकते हो कंडीशन अपनी गाड़ी की ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि भाई इस कंडीशन के हिसाब से प्राइस कैसे निकल के आएगा गाड़ी का, और फिर अपना डिसीजन फाइनल करेंगे, क्योंकि भाई अब गाड़ियाँ मार्केट में बढ़िया बढ़िया आ रही है, तो अब कोई बढ़िया गाड़ी देखते हैं। और आप लोग भी भाई कमेंट करके बताओ अंडर 10 लाख रुपीज़ कौन सी कार सही है आज के टाइम में लेना। सभी दर्शकों से निवेदन है विशेष शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आने वाले दिनों में। ओवर एंड आउट। तो भाई कार्स 24 वाले भैया को कर दिया हमने बाय बाय, इन्होंने कर दिया अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन। और बात हुई भाई ये बता देता हूँ, पहले तो जैसे मैंने दिखाया पेंट वगैरह चेक किया, उसके बाद सारी बीडिंग वगैरह निकाल के कहीं पे रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, टायर्स वगैरह एक चीज़ बढ़िया तरीके से टेस्ट किया आधे घंटे तक। उसके बाद फिर भाई इन्होंने ड्राइव ली गाड़ी की, उसमें इन्होंने पूरा देखा कि कैसी है गाड़ी चलने में क्या हिसाब है, एंड उसके बाद में भाई फिर इन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया रेटिंग वगैरह दिखाई कि क्या रेटिंग है अपनी गाड़ी की, और मोस्टली भाई 5 स्टार आए हर चीज़ में, ठीक है, एक आधी चीज़ में 4.5 स्टार थे, अदरवाइज 5 स्टार थे। और अब इन्होंने क्या किया है, कंपनी में भेज दिया है सारी चीज़ें, ठीक है, अब वहाँ पर टेस्टिंग होगी, उसके बाद 2 घंटे बाद आता है प्राइस गाड़ी का इनके ऐप पर, कार्स 24 का जो ऐप है उस पर प्राइसिंग आ जाएगी, और वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सो गाइस मैंने ओपन कर लिया है कार्स 24 ऐप, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का प्राइस आएगा फाइनल, 2 घंटे हो चुके हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन है अपनी, मारुति सुजुकी वैगन आर गाड़ी है, एंड कंटिन्यू करते हैं, 2022 मॉडल पेट्रोल, 21 की रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई 3,94,000 रुपये आया इसका फाइनल प्राइस, जिसमें कि इन्होंने सर्विस चार्ज भी काटा इसमें 7,965 रुपये का, बहुत बढ़िया। और फाइनल इन एंड ऑफर मिलेगा अपने को 3,94,000 का, जो कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, क्योंकि यार सिर्फ 2 साल हुए हैं गाड़ी को, 22 मॉडल है, 21 रजिस्टर्ड है दिसंबर की, 22 मॉडल के हिसाब से देख सकते हो भाई 2 ही साल हुए हैं, और 2 साल में 15,000 चली है सिर्फ पेट्रोल में, 670 की ली थी उस टाइम पर, मतलब 270 का नुकसान है सीधा सीधा। और कंडीशन इतनी बढ़िया है जो कि आपको दिखाया था, हर चीज़ में 5 स्टार रेटिंग है, इनका फीडबैक जो था गाड़ी का उसमें मैंने आपको दिखाया था, तो भाई ये तो बहुत कम है। और अगर यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और एक और चीज़ है जो ये ऑफ़र देते हैं वो सिर्फ दो दिन तक वैलिड रहता है, उसके बाद अगर आप दोबारा बेचते हो गाड़ी, मतलब उसके बाद बेचते हो, तो आपको दोबारा से इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको इनकी,
कि अगर हम व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में देंगे, पहले देंगे 384,000 जब कार हैंड ओवर हो जाएगी, और 10,000 आएंगे तब जब RC ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, और मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है यार कार्स 24 का जो प्राइस है ना, कोई सही नहीं लगा मुझे। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई 4.5 तक तो हो ही, ठीक है 4.5 तक तो हो, लेकिन ये तो बहुत कम है यार। और अब इनका एक फ़ाइनल कॉल आएगा, जैसे कि उन्होंने बताया था जो बंदा आया था इनका, फ़ाइनल कॉल पे नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो तब आपको बताता हूँ कि क्या अपना फ़ाइनल प्राइस ये लोग करते हैं नेगोशिएशन करने के बाद में। पर ये प्राइस तो भाई बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है।